चुनाव से पहले बिछ रहा सियासी जाल, नेताओं के बदले सुर बोल और ताल, क्या दल बदल कर गलेगी दाल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत उबाल मार रही है, लेकिन 24 के फाइनल से पहले इस साल के आखिर में ही सेमीफाइनल भी होना है। यही पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी लोकसभा की राजनीतिक पिच पर कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेताओं के अपनी पार्टियों से मन खट्टे हो गए हैं। मतलब ये कि राज्यों के चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है तो कहीं कुनबा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। यूं तो सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का मेन फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा से हाथ मिला रहे हैं। आइए आपको एक एक राज्य का हाल बताते हैं, जहां नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। राजस्थान के नागौर जिले में ज्योति मिर्धा का अच्छा खासा जन समर्थन है। ऐसे में उनका पार्टी बदलना सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ज्योति मिर्धा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी में एंट्री की। उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, कई लोग वहां घुट रहे हैं। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है। और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है विशेष तौर पर, चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता है उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। आज मंच पर हमारे अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी यहां पर उपस्थित हैं, सांसद भागीरथ जी, आपके सांसद बलूनी जी, केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहां पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें। मध्य प्रदेश में भी नेताओं का यही राग चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता की गद्दी से उतारने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बता दें कि बीजेपी राज्य में जन समर्थन को अपने पाले में करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन फिर भी भाजपा को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यहाँ भाजपा ही कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। रविवार को पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ ने गिरिजा शंकर को पार्टी ज्वाइन कराई। इससे पहले बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी अपनी राह अलग कर दी।
इनके अलावा गुड्डू राजा बुंदेला, शिवपुरी से अरविंद धाकड़, सुश्री अंशु रघुवंशी, डॉक्टर केशव यादव, डॉक्टर आशीष अग्रवाल और महेंद्र प्रताप सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को ठुकरा कर कांग्रेस को गले लगा लिया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग रहा है। यहां भी नेता दल बदल कर हित साधने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का समय बाकी है, लेकिन दल बदल कर हित साधने की कोशिशों में है। यहां बीजेपी में टिकट नहीं मिलने से नाराज सरायपाली के नेता श्याम पांडी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना एक पुरानी आदत बन गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दल बदल कर इन नेताओं का फायदा होगा या फिर यूपी की दारा सिंह चौहान की तरह पार्टी बदलकर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।